ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर भीलवाड़ा से है, जहां भीलवाड़ा के उपनगर सांगाने क्षेत्र में बात करें जहां पर दंगे भड़काए गए थे, तो वहीं भीलवाड़ा के क्षेत्र सांगानेर में बुधवार रात हुए बवाल के बाद से अब तक पुलिस बल तैनात है। हालांकि तनाव जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन पुलिस विभाग का कहना है कि एहतियात के तौर पर पुलिस बल को अभी वहीं रहने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस अधिकारी भी नियंत्रण क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं। सांगानेर में बाजार और दुकानें सब खुले हैं, लोग रोजमर्रा के काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि बुधवार रात करीब 10 बजे समुदाय विशेष के दो लोगों के साथ नकाबपोश 10 जनों ने लाठी डंडों और बेसबॉल बैट से हमला कर दिया था। इसके बाद सांगानेर में तनाव व्याप्त हो गया था। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल के साथ आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और समझाइश कर मामला शांत करवाया। तो वही खबर भीलवाड़ा से आ रही है, जहां भीलवाड़ा के उपनगर सांगानेर क्षेत्र में नई पुलिस चौकी के सामने बुधवार रात दो युवकों पर हमले की वारदात का सुभाष नगर पुलिस ने खुलासा किया। इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों को नामजद किया है। इनमें से एक को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 9 अन्य की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक पूछताछ में हमला सोशल मीडिया पर किए जा रहे कमेंट से आहत होकर किया गया। कल शाम को कस्बा सांगानेर थाना क्षेत्र सुभाष नगर के अंदर 3 मोटरसाइकिल पे 10 लोगों द्वारा 2 अलग अलग स्थानों पर कुछ लोगों के साथ लाठी डंडे बेसबॉल के साथ मारपीट की गई। उसमें उनको चोटें आई हैं, इस पर मुकदमा पंजीबद्ध किया गया। मौके पे शांति व्यवस्था कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए आला अधिकारी मैं कलेक्टर साहब मौके पर पहुँचे और फोर्स डिप्लॉयमेंट की गई। तत्काल इन्वेस्टिगेशन की स्पेशल टीम गठित की गई, लीड्स हमारे को मिलना शुरू हो गई थी और कुछ सीसीटीवी फुटेज थी, कुछ इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन थी। शाम से ही टीमें लगा दी गई थी। आज उसमें से एक आदमी को हमने अरेस्ट किया है और बाकी जो 9 हैं उनका आइडेंटिफिकेशन कर लिया गया है और जल्द ही हम उनको भी अरेस्ट करेंगे। और जिन्होंने ये